लोकसभा राज्यसभा दोनों लड़ेंगे, लोकसभा विधानसभा दोनों लड़ेंगे। और जो MLA बन चुका है, मंत्री बन चुका है, या वैसे नेता का, नेताओं का गठबंधन नहीं होगा, युवाओं का गठबंधन होगा। और हमारा खतियान आधार होगा कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है, वो एक आधार कार्ड की तरह, वो खतियान का बिना दिखाए किसी को उम्मीदवार हम लोग नहीं बनाएंगे। वो चुनाव लड़ सकता है दूसरा पार्टी से, निर्दलीय लड़ सकता है, लेकिन हमारा खतियानी मोर्चा जिसका खतियान उसको उम्मीदवार बनाएंगे। एक लाइन में आप बाहरी बोल दिया, हमको बहुत खुश हुआ दिल से, इसका जवाब बहुत जगह हम देंगे। अपना नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। सुरेश सिंह बेसरा आएंगे तभी आएंगे लोग। देखिए, यहाँ भाई चांसलर आया है सिद्धू कानू में, कौन यही का पैदा हुआ आदमी है, वो कहीं से आया हुआ इंडिया से, भाई चांसलर है, बच्चों को पढ़ाता है, लीडरशिप का बाउंड्री नहीं होता। अन्ना हजारी भी आ सकता है यहाँ, आ सकता है यहाँ पे, ऐसा जो है अरविंद केजरीवाल भी आ सकता है, ममता बनर्जी भी आ सकता है। खतियान का बात करते हैं, नेता तो कोई बोल सकता। मैं ममता बनर्जी को खतियान थोड़ी मांगेंगे, लड़ने वाला थोड़ी यहाँ से, केजरीवाल थोड़ी यहाँ से, जो चुनाव लड़ेगा खतियान दिखाए, उसके बिना हम लोग नहीं टिकट दे सकते। नेतृत्व तो बाहर कर सकता है। नहीं, बाहर का तो क्या, पाठ पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है, आई आई टी में ऑल इंडिया के लोग होते हैं, आई आई एम में ऑल इंडिया। मेरी बेटी अमेरिका से इकोनॉमिस्ट है, थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। सूर्य सिंह बेसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, मेरी बेटी शिबू सोरेन का बेटा बेटी। सूर्य सिंह बेसरा प्रोफेसर, मैं लीडर बनाने वाला प्रोफेसर। लेकिन लीडर सब कहाँ एक जगह आ रहा है, आप देख लीजिएगा 2024 में टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। आप अलग राज को इतिहास नहीं जानते हो। अच्छा, ये जो अभी नया चल रहा है, भारत देश में 20 करोड़ आदिवासी है जिसका धर्म कोड नहीं है, और हम उसके उस आंदोलन में मैं भी एक स्तंभ हूँ। भारत देश के 20 करोड़ ऐसे आदिवासी हैं जिसका धर्म कोड आज भी नहीं दिया BJP सरकार, और उल्टा UCC ये मैंने समान आचार संहिता बना रहे हैं। हम लोग आदिवासी समाज से इस समान आचार संहिता का हम लोग पोर जोर विरोध करते हैं, और लागू नहीं हो इसके लिए जी तोड़ पोर जोर हम लोग विरोध करते रहेंगे। ये आदिवासी के लिए खिलाफ हैं, क्योंकि आदिवासी का आइडेंटिटी संविधान में अलग दिया है, हमारा CNT एक्ट में स्त्री पुरुष को अलग दिया है सम्मान, हमारा संविधान का आर्टिकल 13 में अलग दिया है सम्मान, हमारा पेशा कानून में दिया है, हमारे गांव में हमारा राज, इसका उल्लंघन हो जाएगा है, इसीलिए हम लोग इसको विरोध करते हैं और इसको लागू नहीं होंगे। इसके लिए पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी हम लोग चला रहे हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के ग्रुप में मैं भी एक हूँ। चलिए, फॉरवर्ड क्लास के लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन एक तो BP सिंह ने अपने सरकार को कुर्बान दे दिया, सरकार चली गई। BP सिंह के बाद 91 में चंद्रशेखर का सरकार बना, अल्पमत सरकार, वो भी ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन BP सिंह मंडल कमीशन के चलते अपने को कुर्बान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में उसका रीट किया गया, चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 93 में कि एक क्रिमिलियर इसका फायदा नहीं लेगा, इसलिए क्रिमिलियर को हटा के 126 जाति को मंडल कमीशन के तहत बैकवर्ड के सूची में 126 को सूचीबद्ध किया, और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी में, रेलवे में हो, बैंक में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी में OBC को 27% मिलेगा और प्रत्येक स्टेट में मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बिहार में 27% OBC के लिए है, बंगाल में 27% है, सब जगह है, सेंट्रल में है। झारखंड राज्य बनते ही पिछड़ों वर्गों के साथ बहुत अन्याय किया है, 14% केवल मिला, आज तक भी 23 वर्षों में 14% मिल रहा है। इनका आरक्षण नीति, नियोजन नीति बहुत गड़बड़ नीति है वर्तमान हेमंत सोरेन का। अभी हाल फिल में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% नरेंद्र मोदी ने संविधान का अमेंडमेंट करके 10% कर दिया, और वो सेंट्रल में 10% लागू होगा और स्टेट में भी, सभी स्टेट में 10% लागू होगा, जिला में 10% लागू नहीं होगा। ST SC OBC और आर्थिक पिछड़ा के लोग जो पॉपुलेशन है वो लागू होगा। दुर्भाग्य इस बात का है हेमंत सोरेन सरकार ने जो नया नियोजन नीति और आरक्षण नीति लागू किया, सभी जिला में
आप उनको 10% दे दिया, और झारखंड के 7 ऐसे जिला है जिसमें पिछड़ी वर्गों को 0-0-0 बना लिया, तो बहुत गलत है। हम लोग विरोध करते हैं, इसको हटाओ। हमारे छात्र नेता आया हुआ है, उनसे इंटरव्यू लीजिए, वो लोग विरोध करते हैं, मैं भी विरोध करता हूं, हम लोग विरोध करते हैं। यह नीति नहीं चला गया। मंडल कमीशन के सिफारिश के तहत केंद्र में राज्यों में हम 27% के पक्षधर सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व वाले मार्गदर्शन वाले जो युवा शक्ति है, मंडल कमीशन सिफारिश लागू करो, पिछड़ों को 27% आरक्षण दो, बस ये डिक्लेरेशन।